यहां से हम लोग शुरू करेंगे कॉम्प्रिहेंशन। बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन क्यों पढ़ा जाए, कॉम्प्रिहेंशन कितना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट? ये सबका ज्ञान आपके पास होना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, एग्जाम में पूछता क्यों है, कितने मार्क्स का होता है, एवरीथिंग यू शुड नो। तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए बढ़िया से। बेसिकली मैं बात करूं आपके साथ, तो कॉम्प्रिहेंशन वर्ड अपने आप में नाउन है। है क्या ये? नाउन। नाउन का मतलब यहां पे कॉम्प्रिहेंशन का हिंदी क्या हो गया? समझ। और समझ का मतलब होता है विजडम। विजडम का मतलब हुआ बुद्धिमानी। आ जाओ, बुद्धिमानी ये वर्ड बना है कॉम्प्रिहेंड से। कॉम्प्रिहेंड इज अ वर्ब नॉट नाउन। कॉम्प्रिहेंड वर्ब है, इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना, यानी टू अंडरस्टैंड करना, समझना, यानी आपकी समझदारी कितनी है, यह एग्जामिनर चेक करता है। मतलब कॉम्प्रिहेंशन में ये चेक करता है कि कहीं जो एग्जाम देने वाला कैंडिडेट है कहीं वो पागल तो नहीं, क्योंकि कोई भी पागल इंसान के पास समझदारी नहीं होता, इसलिए वो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व नहीं कर सकता। अब सोचो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए यूपीएससी में कॉम्प्रिहेंशन से लगभग 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक से यूपीएससी आईएएस में 60 नंबर क्वेश्चन कहां पूछते हैं? पीटी में, सी सेट, पीटी कहते हैं उसको, प्रीलिमिनरी टेस्ट, यहां पूछता है 60 नंबर का, और 75 मार्क्स का पूछता है मेंस में। ए यूपीएससी की कहानी, आईएएस की, यानी बिना कॉम्प्रिहेंशन के तुम डीएम नहीं बन सकते, राइट? यानी पीटी में 60 मार्क्स के और 75 नंबर के मेंस में, यानी ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सोच लो। हो गया, तो यूपीएससी करने के लिए 60 और 75, अच्छी बात। अब कहो सर एसएससी, तो एसएससी या फिर दिल्ली एसआई, है ना, सीपीओ, तो किसी भी एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन टायर 1 टायर 2 की बात करें तो दोनों मिलाकर के 30 से 40 क्वेश्चन, यानी 30 से 40 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सोचो कि एसएससी सीपीओ में आपके पास 250 नंबर के क्वेश्चन है, 250 टायर 2 200, टायर 1 50, 250 हो गए, 250 में कितने मार्क्स के? 30 से 40। अब सोचो कि एक टॉपिक 30 से 40 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप खुद अनुमान लगा लो कि यह पार्ट कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लियर? तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन, और इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, राइट? तो इग्नोर नहीं करना है, आज से इसको शुरू करना है। और हाँ, मैं आपको जगा क्यों रहा हूं कि मान लो मैं पढ़ा रहा हूं नाउन, आप नाउन में उलझे पड़े हो, तो सिर्फ नाउन पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आपको कॉम्प्रिहेंशन भी आना चाहिए, क्लोज टेस्ट भी आना चाहिए, पीक्यूआरएस भी आना चाहिए, कॉमन भी आना चाहिए। दूसरी बात, जब आप एग्जाम में बैठते हो तो क्या एग्जाम में बैठने से पहले अपने आप को उसके लिए तैयार किया है? क्या क्या कॉम्प्रिहेंशन, क्या पीक्यूआरएस, कॉमन बनाने का प्रयास किया है? कभी नहीं सर। तो हम लोग हैं क्या भाई, टीचर पर टोटली डिपेंडेंट है। टीचर ने जो पढ़ा दिया बस पढ़ लिया, कोचिंग पर डिपेंडेंट है, जो कोचिंग वाला कहेगा वही काम करेंगे। तो सबसे पहला चीज, धर्मेंद्र सर जगे हुए हैं और जगाते हैं, न अंधकार में रहते हैं न अंधकार में किसी को रखते हैं। तो सीधी बात यह है कि मैं हर मंगलवार को तुम्हें जगाऊंगा और 8 दिन का टाइम दूंगा जगने के लिए, कि प्रैक्टिस भी करो और फिर मंगलवार को प्रैक्टिस भी कराऊंगा, बस समझ गए, तभी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक बैच में से सारे बच्चे नहीं जगेंगे, जाएंगे 2-4% ही, बाकी फिर भी सोए रहेंगे, कोई बात नहीं। कम से कम उनकी आत्मा ये तो नहीं कहेगा कि सर ने जगाया नहीं था। जब हम अलार्म लगाते हैं सुबह में और अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं कि कल से जगूंगा, और हर दिन प्रक्रिया यही होता है, तो घड़ी को दोष नहीं देते कि भाई घड़ी में गलती था, कि मोबाइल में गलती था, या अलार्म वॉच में गड़बड़ था कि वो बजा नहीं, वो तो बेचारा अपना काम किया था, हम नहीं जगे, इसलिए हम घड़ी ठीक नहीं करवाते, मोबाइल ठीक नहीं करवाते, अपने आप को सोचते हैं कि मैं ही, मेरे में ही गलती है, मोबाइल घड़ी सब सही है। क्लियर? यानी कि मैं आपको जगा रहा हूं, बस आप जागो या ना जागो आपकी समस्या होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको जगा दूं। खैर, तो हमने कहा कि 30 से 40 30-40 मार्क्स से कॉम्प्रिहेंशन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं, राइट? अब ये पार्ट हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट।
अब समझो कितने मार्क्स से क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से रहता है। अब कैसे इसको पढ़ें, कैसे बनाएं, इसके लिए टॉपिक्स क्या चाहिए? तो देखो बेटा, इसके लिए पर्टिकुलर को टॉपिक्स नहीं इंग्लिश में है, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का होता ही नहीं। ये होता है ज्योग्राफी का, ये होता है हिस्ट्री का, ये होता है पॉलिटी का, ये होता है साइंस टेक का, ये होता है करेंट का, ये दुनिया का होता है। इसलिए इसमें कोई टेक्निक और मेथड नहीं है, ये पार्ट है लैंग्वेज का। यानी आपको लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसके लिए चैप्टर्स कुछ आना चाहिए, जैसे टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। इस चैप्टर्स का आपके पास ज्ञान ओवरऑल होना चाहिए। अगर इस चैप्टर्स का ज्ञान है तो आप बेहतर समझ बना सकते हो। क्लियर? इसके साथ साथ जैसे मान लो कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करना है तो इस तरह का एक पैसेज होगा। अब पैसेज होगा, इसमें मान लो एक पैसेज में 100 शब्द है, राइट, और 5 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब 5 क्वेश्चन है, पैसेज दिया हुआ है, राइट। अब आपको इसको बनाना है, तो सबसे पहले करना क्या है, अभी मैं बता रहा हूँ ओवरऑल, फिर एक एक पार्ट लिखवाऊंगा आराम से, समझाते हुए काम करूंगा, ठीक है। अब एक कॉम्प्रिहेंशन बनाना है, क्या आपने कभी विचार किया है कि एक क्वेश्चन सोल्व करने में हम मुझे एग्जामिनर कितने सेकंड का टाइम देता है? विचार किया कभी? नहीं किया होगा। एक क्वेश्चन को सोल्व करने में आपके पास 27 सेकंड का समय होता है, एक क्वेश्चन को सोल्व करने में 27 सेकंड का समय आपको दिया जाता है, राइट। अब 200 मार्क्स से क्वेश्चन है, अब 27 सेकंड में सोल्व करना है। अब 27 सेकंड में क्या तुम इस पैसेज को पढ़ पाओगे? नहीं सर। तो क्या आपने कभी आजमाया है क्या आपकी रीडिंग स्पीड कितनी है? क्या आपने एक स्टॉप वॉच लगा के कभी कोशिश की है पढ़ने की कि विथ अंडरस्टैंडिंग, समझने के साथ साथ आपकी स्पीड कितनी है? नहीं किया होगा कभी, कभी आपने कोशिश नहीं किया होगा ऐसा। खैर, क्योंकि देखो जब आप युद्ध के मैदान जाते हैं तो सबसे पहले अपने आप को आजमा लो कि क्या उस युद्ध के लायक तुम हो कि नहीं हो, है ना जी। अब आप लड़ने जिससे जा रहे हो तो क्या उसे छोटे को तुमने हराया कभी? नहीं हराया। तो पहले आजमा लो कि जिसके साथ हाथापाई करना है वो मुझसे कितना पहलवान है, उसके साथ ना तो सही, किसी के साथ कम से कम हाथापाई तो करके चेक करें कि क्या मेरा लेवल है। तो हमने आज तक चेक नहीं किया, तो अब चेक करना है। आपको स्टॉप वॉच लेना है मोबाइल में, 5 मिनट का अलार्म लगाना है, और फिर कोई भी पेपर, NCERT योजना कुछ है तो कोई ले लो, हिंदू विंदू जो ले लो, अब पढ़ना शुरू कर दो। घड़ी बज जाएगा अलार्म और चेक करो कि तुम्हारा विथ अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये नहीं कि बस ऐसा नहीं, समझ करके, ये समझ कुछ आना चाहिए, करके चेक करो कि 1 मिनट में 5 मिनट में कितने शब्द पढ़ते हो। अगर 1 मिनट में तुमने 200 से 250 शब्द पढ़ लिए तो तुम्हारी स्पीड अच्छी स्पीड है। अगर 1 मिनट में 50 शब्द पढ़ रहे हो तुम्हारी स्पीड सबसे घटिया है। यानी 50 तो होना ही चाहिए, कम से कम 100+ होना चाहिए। यानी आपकी स्पीड विथ अंडरस्टैंडिंग 100 वर्ड्स पर मिनट, प्रति मिनट आपका होना चाहिए, एक एवरेज है। एक अच्छा स्पीड कम से कम 200 होना चाहिए मिनिमम, बस मेरे विथ अंडरस्टैंडिंग, बस समझ गए। तो इसको चेक कर लेना कितने हो। अब अगर आपका स्पीड 1 मिनट में 200 शब्द हो जाएगा, यानी एक क्वेश्चन को 27 सेकंड में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्पीड उससे कम है तो खुद सोचो कि इस पैसेज को पढ़ने में तुम्हें लग रहा है 5 मिनट, फिर 5 मिनट को उसको पढ़ने लग रहा है 10 मिनट, और ऐसे ऐसे 6 पैसेज होंगे तो सारा समय तुम्हारा ही खा जाएगा। जो कि एक क्वेश्चन तुम आसानी से बना सकते थे तो आधा टाइम तुम्हारा ही खा जाएगा, तो आधा टाइम तुम्हारा ही ले लेगा। इसीलिए बहुत सारे बच्चों का कॉम्प्रिहेंशन पार्ट छूट जाता है एग्जाम में, छूटता है ना जी। तो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट क्या होता है? छूट जाता है। तो इसलिए आपका कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? फ्लॉप हो जाता है। हम लोग लगे रहते हैं कॉमन एरर में, लगे होते हैं वोकैब में, लगे होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, और कॉम्प्रिहेंशन आते आते समय बीत जाता है। क्योंकि मेरा मन में साइकोलॉजी होता है कि यार कॉम्प्रिहेंशन पढ़ूंगा टाइम बीत जाएगा, समय है नहीं उतना करने के लिए, समय बीत जाएगा। और साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, समय का अभाव होता है, ऑनलाइन पेपर है, ऊपर लंबा चौड़ा लिखा रहता है, यार इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखा, दिमाग खराब। पहले देखते हैं हल्का वाला क्वेश्चन, एक लाइन का कॉमन एरर दिखा, अच्छा इसको पढ़ते हैं, पता है कि टाइम अधिक ले रहा है, श्योर नहीं है कि आंसर राइट है कि रॉन्ग है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में तुम्हारा आंसर 100% राइट हो रहा है। लेकिन बस एक वजह है, रीडिंग हैबिट। इसका मतलब अब यहां से पढ़ना शुरू करो, लिखना शुरू करो। कॉम्प्रिहेंशन बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट है, हेडिंग बना लो
यहाँ पे टेक्निक ट्रिक्स फिर वापिस आऊँगा। सबसे पहले कुछ मेथड पढ़ लो, फिर सिखाऊंगा इसके ट्रिक्स। देखो लिखा रहेगा तो कम से कम घर पे कुछ कर लोगे, लिखा नहीं लिखोगे नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। लिख लो, पहला पॉइंट लिखो, रीडिंग हैबिट यानी आपके पास पढ़ने की आदत होनी चाहिए। कैसी रीडिंग हैबिट? फास्ट। फास्ट रीडिंग हैबिट यानी पढ़ने की स्पीड तेज होनी चाहिए, पढ़ने की स्पीड तेज होनी चाहिए। फास्ट रीडिंग हैबिट यानी आप जब पढ़ो तो आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए? तेज। फास्ट रीडिंग हैबिट, राइट बच्चे? अब आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए? फास्ट रीडिंग हैबिट यानी आप तेज पढ़ो। अब प्रश्न उठता है, सर क्या पढ़ें? तो वह पढ़ो जो एग्जाम में आता है। क्या आता है सर? तो आपके एग्जाम में वही चीज आएगा जो आप पढ़ोगे, जैसे एनसीईआरटी पढ़ो। शुरुआत कहां से करें? क्लास सिक्स से करो शुरुआत। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा मन कहेगा कि क्लास सिक्स के पढ़ रहे हो, अगर क्लास सिक्स तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास टेन समझ में कहां से आएगा? तो एक साइकोलॉजिकल होगा कि तुम क्लास सिक्स समझने लायक बन जाओगे। इसलिए कहां शुरुआत करो? एनसीईआरटी से, क्लास सिक्स से। मैं कहता हूं अगर एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रहा तो तुम चंपक ले लो। क्यों? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंग्लिश नहीं खरीदनी है, इंग्लिश मीडियम में खरीदना है। बस में आ, इंग्लिश में लिखा होना चाहिए। ज्योग्राफी खरीद लो, हिस्ट्री खरीद लो, ठीक है? बहुत दिक्कत हो, जैसे चंपक का नाम क्यों लिया हमने? कि चंपक तुम्हें लिया, उसमें पता तुम्हें पहले से कहानी होगा। क्या तुम उस कहानी को पढ़ के दूसरे को समझा सकते हो? तुमने पढ़ा कहानी, ठीक है भाई। देखो कॉम्प्रिहेंशन क्या है? क्रक्स है, लाइक चंपक है। तो तुमने कहानी पढ़ा, कहानी बंद करके क्या तुम चंपक की पूरी कहानी टोल्ड कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई ये कहानी इसमें है? अगर बता सकते हो तो तुम्हारा लेवल चंपक से ऊपर हो गया। फिर तुम एनसीईआरटी पे आ जाओ भाई, 30 रुपया खर्च कर लो चंपक पे। कितने का आता है जी? 30 का। तो 30 रुपया खरीद लो, किस बात का शर्म, राइट? खरीद के पढ़ लिया, फिर एनसीईआरटी खरीद लो। एनसीईआरटी के लेवल ऊपर है तो योजना पे आ जाओ, योजना से ऊपर है कुरुक्षेत्रा पे आ जाओ, कुरुक्षेत्रा है टेल मी वाई पे आ जाओ। जब ये पूरे किताब पढ़ोगे तो आपके पैसेज कहीं ना कहीं इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, चाहे एनसीईआरटी से होगा, इससे बाहर पैसेज नहीं होता। यानी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं सारी किताबों की मदद ली जाती है, क्योंकि वो पहाड़ नहीं होता, इन्हीं सारे बुक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला चीज एनसीईआरटी, योजना, कुरुक्षेत्रा, टेल मी बाय, इन सारे मैगजीन्स का आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपके टेबल पे किताब होना चाहिए। क्लियर? रीडिंग हैबिट, मुझे हाथ उठाकर बताना कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रतिदिन रीडिंग हैबिट करते हैं? रीडिंग हैबिट रोज करते हैं, डेली का रीडिंग हैबिट करते हो? पक्का? Yes, बहुत सुंदर, आ जाओ। कितने कितने बच्चे बाकी सब तो नहीं पढ़ते होंगे, तो हाथ उठा तो नहीं। यानी कि 2-4-10 बच्चे ऐसे हैं जो डेली पढ़ने की टेंडेंसी है उनकी। अगर डेली पढ़ने की टेंडेंसी है, इसका मतलब है कि आपको अंपक चंपक पढ़ने की जरूरत नहीं है, है ना? आप हिंदू पढ़ लो, योजना पढ़ लो, कुरुक्षेत्रा पढ़ लो, टेली बाय पढ़ लो। अब इसको जब पढ़ोगे तो आपके अंदर एक समझ बननी शुरू हो जाएगी। अब जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपकी विजडम, आपकी समझदारी अच्छी हो गई होगी। क्लियर? वापिस आ जाओ। हमने कहा रीडिंग हैबिट और फास्ट रीडिंग हैबिट। अभी हम लोग मेथड की बात करें, नंबर 2 पॉइंट, गेट रीड ऑफ रिग्रेशन। नंबर 2 क्या है बच्चे? गेट रीड ऑफ रिग्रेशन। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ मतलब क्या होता है? छुटकारा पाना, यानी आप छुटकारा पाइए किससे?
रिग्रेशन से, गेट रेड ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है भाई? रिग्रेशन का मतलब होता है यू गो द सेम कंटेक्स्ट अगेन एंड अगेन। जैसे मान लो हमने कोई चीज पढ़ा, ब्राह्मण से पढ़ रहा हूं, उड़ा दिमाग, उड़ा फिर वहीं वापस आ गए, फिर से दो तीन लाइन पढ़ा, उड़ा फिर वापस। इसे कहते हैं रिग्रेशन। मतलब यू गो द सेम कंटेक्स्ट अगेन एंड अगेन, एक ही लाइन को दोबारा पढ़ना, तिबारा पढ़ना, एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर मीनिंग, यानी आप उसको समझने का प्रयास कर रहे हो कि क्या लिखा हुआ है, बस में रहो। लेकिन होता क्या है, ये दिमाग का जो खेल है ना, दिमाग उस चीज को समझता है जो इसको इंटरटेन करता है, जो इसको इंटरटेन नहीं करता उसको आउट कर देता है और फिर वही ले जाता है जहां इंटरटेनमेंट हो। जैसे मान लो तुम कुछ पढ़ रहे हो, जैसे तुम पढ़ रहे हो समझ में आया तो ठीक, अगर समझ में नहीं आया तो वह बात दिमाग लाएगा जो टेंशन की बात होगी, जो आनंद की बात होगी। जब तुम किताब निकालोगे तो दिन भर नहीं दुनिया भर का टेंशन ला देगा दिमाग में, उसने ऐसे बोला था, उसने ऐसे छुआ था, उसने ऐसे किया था, वो ऐसे बोला था, सारी बात दिमाग में आएगी। जब तुम किताब निकालोगे तो कोई थप्पड़ मारा था दो दिन पहले, किताब के टाइम में थप्पड़ या झन्नाहट याद आएगा, और किताब खुला है कल्पना करो कि कल मिलेगा तो मैं से कूट दूंगा उसको, किताब बंद कूटना बंद, सारा खेल किसका है, किताब का, क्योंकि समझ में तो आ नहीं रहा। अब समझ में नहीं आ रहा तो माइंड कहां है, दौड़ता रहेगा। यानी तीन कॉन्सेप्ट आया। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ वोकेबलरी, एंड सेकेंड थिंग इज अनफेमिलियर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यानी कि तीन चीज का अभाव होता है, इसीलिए हम लोग क्या होता है, रिग्रेशन होता है। यानी रिग्रेशन का पहला पॉइंट है लैक ऑफ वोकेबलरी, यानी आपके पास वोकेबलरी का अभाव है, आप जब पढ़ रहे हो तो मीनिंग क्लियर नहीं है। दूसरा पॉइंट हो गया अनफेमिलियर, अनफेमिलियर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी सब्जेक्ट मैटर से आप क्या हो, अनफेमिलियर हो, सब्जेक्ट मैटर से आप अनजान हो, अनफेमिलियर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर से अनजान हो। और तीसरा पॉइंट हम लोगों का होता है और वो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का अभाव है आपके पास, यानी आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है। तो हमने कहा लैक ऑफ वोकैबुलरी, वोकैब का अभाव, आप पैसेज पर यू आर ट्राइंग टू रीड द पैसेज एंड यू आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज पर्टिकुलर मीनिंग्स, आप पहचान ही नहीं पा रहे हो क्या मीनिंग इसका होगा, क्या हिंदी इसका होगा, तो क्या हो रहा है, वोकैब का अभाव है। एक लाइन पढ़ा चार वोकैब नहीं आते। दूसरा है अनफेमिलियर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, भाई जब आप पैसेज पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री के विद्वान हो, पैसेज पूछा है साइंस टेक का, अब सोचो दो पक्ष में पिलर बट गया, एक लड़का साइंस पढ़ रहा है, एक लड़का आर्ट्स पढ़ रहा है, पैसेज पूछा आर्ट का, लड़का है साइंस आर्ट का, पैसेज पूछा हुएनसांग का, लड़का हुएनसांग का नाम नहीं सुना, हुएनसांग डिक्शनरी ढूंढ रहा है, हुएनसांग डिक्शनरी में कहां मिलेगा हुएनसांग, समझ पा रहे हो? तो जो चीज पैसेज में है वो आप नाउन को ढूंढ रहे हो, कहां से मिलेगा। इसलिए क्या होता है, बच्चे आधे बच्चे पास आधे बच्चे फेल। यानी कॉम्प्रिहेंशन आने के लिए आपको मल्टी रीडिंग, मल्टी टैलेंटेड आपको होना पड़ेगा, हिस्ट्री का नॉलेज रखना पड़ेगा, ज्योग्राफी का भी, पॉलिटी का भी, इकोनॉमी का भी। अब नॉलेज मतलब ये नहीं कि आप हिस्ट्री का बुक पढ़ें, आपको जो किताब का नाम बताया एनसीईआरटी, योजना, कुरुक्षेत्रा, टेल मी बाय, न्यूज भी सुनते रहो, अवेयर रहो, बस में रहो। तो लैक ऑफ वोकैबुलरी, अनफेमिलियर नहीं होना चाहिए, फैमिलियर पढ़ो तो समझ में आ क्या है भाई, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का अभाव। कंसंट्रेशन क्या है, पूजा करूं, मेडिटेशन करूं आंख बंद करके, ये तो और खतरनाक चीज है, जैसे ही आंख बंद करेगा जो नहीं आना चाहिए सब आ जाएगा दिमाग में। इसलिए कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन की जरूरत नहीं। तो करें क्या सर, तो आप बोल करके पढ़िए, आप टहल के पढ़िए, बोल बोल के पढ़िए। जब आप किसी चीज को आवाज निकाल के पढ़ेंगे, बोल करके पढ़ेंगे, तो वह चीज आपके दिमाग को फिट करेगा।
आपका दिमाग भटकने नहीं देगा, दिमाग को शांत रखेगा, कंसंट्रेशन बनेगा आपका, फाइन। तो कॉम्प्रिहेंशन का ये सब मेथड दे रहा हूं आपको। अगला पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट, हाँ मेथड ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रिक्स नहीं पढ़ रहे। अगला पॉइंट लिखो, फॉलो स्कीमिंग एंड स्कैनिंग मेथड, फॉलो स्कीमिंग एंड स्कैनिंग मेथड, फॉलो स्कीमिंग SKIMMING स्कीमिंग एंड स्कैनिंग मेथड, फॉलो स्कीमिंग एंड स्कैनिंग मेथड। ये क्या होता है सर? तो स्कीमिंग एंड स्कैनिंग मेथड को फॉलो करो। अब ये होता है क्या, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। स्कीमिंग का हिंदी होता है छूते हुए निकल जाना। जैसे मान लो पैसेज दिया है, अब पैसेज दिया, यहां पे क्वेश्चन पूछा है यह घटना कब घटी थी, जालियांवाला बाग कब घटना घटी थी, मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। अब मान लो यहां पे फैक्चुअल हो गया, अब तुम्हारी आंखें सिर्फ उस घटना को ढूंढ रहा है, यानी पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। पैसेज में बस वो ढूंढना है कि वर्ड कहां मिल जाए हमको, उस फैक्ट को ढूंढ रहा है। तो जहां पे फैक्ट मिल गया, अंडरलाइन कर दिया, वही तुम्हारा स्कीमिंग कहलाएगा। तो स्कीमिंग का मतलब होता है छूते हुए निकल जाना। जब आप पैसेज पढ़ो तो पैसेज को छूते हुए निकल जाओ। दूसरा पॉइंट क्या है, स्कैनिंग मेथड। अब मान लो क्वेश्चन पूछ दिया ऐसा जो पैसेज में आंसर ही नहीं है उसका, पैसेज में आंसर नहीं है, रीजनिंग लगाना पड़ेगा, दिमाग को तोड़जोड़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्कैनिंग मेथड। स्कैन का मतलब होता है इंच इंच निकाल देना, एक एक शब्द पढ़ना, पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेना। तो जब आप पैसेज पढ़ें तो इसके अनुसार पढ़ना पड़ेगा। और ये काम कब करेंगे, तब। लिखो अगला पॉइंट, फर्स्ट रीड पैसेज देन, सॉरी फर्स्ट रीड क्वेश्चंस देन पैसेज, फर्स्ट रीड क्वेश्चंस देन पैसेज, फर्स्ट रीड क्वेश्चंस देन पैसेज। अगला पॉइंट, फर्स्ट रीड क्वेश्चंस देन पैसेज। अब देखो मैंने क्या कहा, पहले आप क्या पढ़ो, क्वेश्चंस, फिर क्या पढ़ो, ऐसा क्यों सर? अब मान लो तुमने कहीं पढ़ लिया कि पैसेज को पढ़ो एक बार, ना समझ में दोबारा फिर पढ़ो, तिवारा पढ़ो, अंटिल यू गेट द क्लियर आइडिया यू शुड रीड द पैसेज। जब तक ना समझ में आता रहे पढ़ते रहो। पहले बताओ तुम पढ़ क्यों रहे हो, तुम पैसेज पढ़ क्यों रहे हो? तुम्हारे पास लक्ष्य है ही नहीं। तो पहले यू शुड डिसाइड योर गोल। गोल कहां से मिलेगा, क्वेश्चन से। यानी क्वेश्चंस जब तुम पढ़ोगे तो क्वेश्चन का मतलब ही होता है व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ, ऐसा क्यों होता है, ये कहां होता है, ये कब हुआ था, राजा के बेटे का नाम क्या था। अब यहां से क्वेश्चन पूछा कि राजा के बेटे का नाम क्या था, तो जैसे तुम्हें मिलेगा राजा किंग, बेटा सन, तुम्हारा दिमाग क्या हो जाएगा, अलर्ट, कि अरे क्वेश्चन में था राजा का बेटा। तो जहां भी राजा मिला वहां क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे। यानी यू हैव डिसाइडेड योर गोल, तुम्हारे पास गोल मिल गया, अब तुमको आंसर चाहिए सिर्फ। सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। अब क्वेश्चन को दो बार तीन बार, तो हमने कहा क्या करना है पहले, कि एट फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस देन रीड द पैसेज। यानी क्वेश्चन को खूब पढ़ो, अंटिल यू गेट द क्लियर आइडिया, जब तक आइडिया क्लियर ना हो पढ़ो खूब, देन यू रीड द पैसेज, तब तुम पैसेज पढ़ो। क्यों भाई, क्योंकि तुम्हें गोल मिल गया, लक्ष्य मिल गया। अब जब लक्ष्य मिल गया तो तुमको समझ में पैसेज आए चाहे ना आए, तुमको लक्ष्य ढूंढना है। जब तुम्हें पता है कि हमको वहां जाना है, तो बीच में कंकर हो, पत्थर हो, जैसे भी पहुंचना हो वहीं तुम्हें, बस मेरे जब पता है कि हमको ढूंढना है इस क्वेश्चन का आंसर, बस इसमें ढूंढते रहो। जब पढ़ोगे तो माइंड अलर्ट होगा। तो अब तुम्हें दिमाग क्या करेगा कि भाई पैसे समझ में आए चाहे ना आए, हमको आंसर मिल गया, काम खत्म। आर वेटिंग? तो पहले क्या पढ़ना है तुम्हें, क्वेश्चन, तब पढ़ना है तुम्हें पैसेज। अब तब तुम्हारा दिमाग पैसे समझने का प्रयास नहीं करेगा, आंसर ढूंढने का प्रयास करेगा। और यह प्रैक्टिस का काम है, मोर एंड मोर पैसेज बनाना है। क्लियर हुआ तक? अच्छी बात। हमने क्या किया, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। तो आप स्कीम छूते हुए निकलिए, स्कैन कीजिए। और ये काम कब घटेगा, जब क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे तब ना भाई। हम छूते हुए कब निकलेंगे, जब पता है कि पैसेज,
मैं ये ढूंढना हमको, स्कैन कब करेंगे जब पता है क्वेश्चन टफ है। क्लियर? अगला पॉइंट, क्वेश्चन योर सेल्फ, क्वेश्चन योर सेल्फ वाइल रीडिंग द पैसेज। क्वेश्चन योर, अगला पॉइंट है, क्वेश्चन योर सेल्फ, क्वेश्चन योर सेल्फ वाइल रीडिंग द पैसेज। जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तो तुम क्वेश्चन करो अपने आप से कि तुम पढ़ क्या रहे हो, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, इसका टाइटल क्या होगा, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं। जब तुम पैसेज पढ़ो और क्वेश्चन दो चार पूछ लो कि हम इस पैसेज को क्यों पढ़ रहे हैं, तो तुम्हारा दिमाग कहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। और एक साथ तुम पांचों क्वेश्चन पढ़ लो और पांचों क्वेश्चन पढ़ के तब तुम पैसेज पढ़ो, और हमेशा दिमाग में रखो कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो पता चलेगा इसको ढूंढने, इसको ढूंढने, इसको ढूंढने, तो माइंड में पांचों चल रहा है क्वेश्चन और पैसेज पढ़े जा रहे हो, तो तुम्हारा पेन फड़फड़ाएगा यहाँ से यहाँ तक आंसर, यहाँ से यहाँ तक आंसर। और वहाँ से क्या करो, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर तुम उसमें पैसेज में डालते जाओ और पूरे पैसेज को पढ़ डालो। सुनाया बात को, नंबरिंग करते जाओ, पढ़ डालो। जब पढ़ डालोगे फिर अगेन तुम क्वेश्चन पढ़ो, नंबर वन पढ़ो, बस उतना लाइन देखो क्या आंसर मिल रहा है, ऑप्शन कि नहीं मिल रहा, ऑप्शन मिल रहा है जिस ऑप्शन को ऑप्शन मारो। इसके साथ क्या करना है वो ध्यान देना है। इसके साथ सबका जोड़ निचोड़ क्या है, तो सबसे पहला काम आप लीजिए इन्फॉर्मेशन। क्या लीजिए? इन्फॉर्मेशन। कहां से? क्वेश्चन से। और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप क्या कीजिए? एलिमिनेशन। और फिर क्या करिए? इन्फरेंस, यानी आई ई आई, आई ई आई को फॉलो करिए। ये क्या होता है सर? तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि क्या पूछ रहा है। अब जब इंफॉर्मेशन मिल गया, मान लो तुम्हारे पास चार ऑप्शन है हिस्ट्री का, उस चार क्वेश्चन है हिस्ट्री का, और चार ऑप्शन में एक ऑप्शन हिस्ट्री का है, बाकी तीन ज्योग्राफी का है। अब जब तक तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, तुम कैसे कहोगे कि आंसर किसका है? तो जो हिस्ट्री वाला होगा वही ना आंसर होगा। तो आप क्या करोगे? इनको क्या करें? एलिमिनेशन। आप उस ऑप्शन को हटाइए कि तुम गलत आ गए हो। पहले काम हमने पढ़ा होगा पिछले क्लास में कि पहले भीड़ कम करो। क्या करो? कम भीड़, कम। जैसे तुम अकेले हो, चारों तरफ से चार लोग तुम्हें पीटने के लिए खड़ा है, अब चारों को तुम मार रहे हो तो तुम जीत नहीं सकते, क्योंकि चारों तुम्हें अटैक कर देगा। तो तुम्हें क्या करना है, उस चारों को देखो एक बार और देखो कि हमसे कमजोर कौन है। कोई एक तो होगा, चार है तो, अगर चारों पहलवान है तो फिर खम्मा का निश्चित है। तो तुम चेक करो कि तुमसे कमजोर कौन उसमें है, और उस कमजोर को पकड़ के इतना कूट दो, बस मेरे हो, बाकी तीन क्या कर छोड़ो, पर एक को कूट दो। यानी पहले तुम एक को साफ करो, भीड़ कम करो, और जब भीड़ कम करोगे ना तो तुम्हारा दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। बस नहीं आया आपको? तो ऑप्शन क्या करो? एलिमिनेट करो, एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन को हटाइए और तब तुम्हारा इन्फ्रेंस काम करना शुरू करेगा। इन्फ्रेंस कहते हैं सिक्स सेंस को, नहीं तो एक सिक्स सेंस, किसी को हम अनुमान लगाते हैं कि भाई ए तो आएगा, ऐसा ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा, ए तो बिल्कुल क्यों नहीं हो नहीं पता, लेकिन सिक्स सेंस कह रहा है कि ए वाला आंसर नहीं होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो इस तरह से आपके पास इन्फ्रेंस काम करेगा, जिसको आई ई आई कहते हैं। हेडिंग में आइए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पहला लिखो प्रकार, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज। अब टाइटल के स्थान पर नाम चेंज कर देगा, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, तुम ही चेंज कर लो, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द थेसिस ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पैसेज, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द टाइटल, सेंट्रल आइडिया, थीम, पर्पस, थेसिस, ये सब एक ही चीज है। आपसे जो पूछ दे, तो व्हाट इज द टाइटल पूछ दे, व्हाट इज द पर्पस पूछ दे,
व्हाट इज द थेसिस पूछ दे, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया पूछ दे, तो कुछ भी पूछ दे, इसका आंसर कैसे देंगे? तो लिखो नीचे आंसर, लिखो इस तरह के प्रश्नों का आंसर, इस तरह के प्रश्नों का आंसर, इस तरह के प्रश्नों का आंसर पैसेज के अंतिम तीन चार लाइन से में होता है। इस तरह के प्रश्नों का आंसर पैसेज के अंतिम तीन चार लाइन में होता है। इस तरह के प्रश्नों का आंसर पैसेज के अंतिम तीन चार लाइन में होता है। इस तरह के प्रश्नों का आंसर पैराग्राफ के अंतिम तीन चार लाइन में होता है। जैसे इसका आंसर ढूंढना हो तुम्हें तो कहीं मत जाओ, बस पैराग्राफ के अंतिम तीन चार लाइन देखो, वहीं पे इसका टाइटल छुपा होगा। करवा के दिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। टाइप टू, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब भाई डायरेक्ट है तो, डायरेक्ट है तो काहे को चिंता। लिखो इस तरह के प्रश्नों का आंसर पैसेज में स्पष्ट दिखता है। इस तरह के प्रश्नों का आंसर पैसेज में डायरेक्ट दिखता है, क्योंकि यह फैक्ट पर बेस्ड होता है। इस तरह के पैसेज, इस तरह के प्रश्नों का आंसर पैसेज में स्पष्ट दिखता है। इस तरह के प्रश्नों का आंसर पैसेज में स्पष्ट दिखता है, क्योंकि यह फैक्ट पर बेस्ड होता है, क्योंकि यह फैक्ट पर बेस्ड होता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो फैक्ट पर बेस्ड होते हैं। अब फैक्ट पर बेस्ड है तो अतः इसका आंसर स्कीमिंग मेथड से दिया जाना चाहिए, अतः इसका आंसर स्कीमिंग मेथड से दिया जाना चाहिए, अतः इसका आंसर स्कीमिंग मेथड से दिया जाना चाहिए, अतः इसका आंसर स्कीमिंग मेथड से दिया जाना चाहिए। SKIMING, स्कीमिंग मेथड से दिया जाना चाहिए। नंबर थ्री, इनडायरेक्ट अब्लिक इंप्लाइड आइडिया क्वेश्चन, इनडायरेक्ट INDIRECT, इनडायरेक्ट अब्लिक इंप्लाइड IMPLIED, इंप्लाइड आइडिया क्वेश्चन, इनडायरेक्ट अब्लिक इंप्लाइड आइडिया क्वेश्चन, इनडायरेक्ट अब्लिक इंप्लाइड IMPLIED, फिर से बोल रहा हूं, इनडायरेक्ट INDIRECT, इनडायरेक्ट अब्लिक, अब्लिक का साइन देना है, इंप्लाइड IMPLIED, इंप्लाइड आइडिया क्वेश्चन, इनडायरेक्ट अब्लिक इंप्लाइड आइडिया क्वेश्चन। ये क्या होता है भाई, तो लिखो इस तरह के प्रश्नों, इस तरह के प्रश्न का आंसर पैसेज में नहीं होता है, इस तरह के प्रश्न का आंसर पैसेज में नहीं होता, इस तरह के प्रश्नों का आंसर पैसेज में नहीं होता, इसलिए इसका आंसर फैक्ट कॉन्सेप्ट प्लस रीजनिंग से, इसलिए इस तरह के प्रश्नों का आंसर फैक्ट कॉन्सेप्ट प्लस रीजनिंग से निकाला जाना चाहिए। इस तरह के प्रश्नों का आंसर फैक्ट कॉन्सेप्ट प्लस रीजनिंग से निकाला जाना चाहिए। क्लियर हो गया? अब एक एग्जांपल पेश कर रहा हूं कि आप देखो कैसे लगाते हैं दिमाग। तो लिखो एग्जांपल, एक मैं पैसेज लिखवा दे रहा हूं, दो तीन लाइन का लिखो ताकि पता चले कैसे निकालते हैं। लिखो इन समर, मतलब समर में, इन समर अ पोलर बियर मदर, इन समर अ मतलब ए पोलर बियर मदर, पोलर POLAR, पोलर बियर मतलब भालू, पोलर बियर मदर, इन समर अ पोलर बियर मदर इमर्जेस, EMERGES, इमर्जेस मतलब निकलता है, इमर्जेस EMERGES, इमर्जेस फ्रॉम, इमर्जेस फ्रॉम इट्स, इमर्जेस फ्रॉम इट्स डेंस, इमर्जेस फ्रॉम इट्स डेंस, डेंस मतलब गुफा, DENC, इमर्जेस फ्रॉम इट्स डेंस विथ, इमर्जेस फ्रॉम इट्स डेंस विथ 3 months, इमर्जेस फ्रॉम इट्स डेंस विद 3 months ओल्ड,
थ्री मंथ्स ओल्ड कब्स, सी यू बी एस, कब्स मतलब बच्चा. फिर से बोल दे रहा हूँ, इन समर अ पोलर बियर मदर इमर्जेज फ्रॉम इट्स डेंस विथ थ्री मंथ्स ओल्ड कब्स. लेवल लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, अ पोलर बियर मदर बर्थ्स, मतलब पोलर बियर मदर जन्म देती, ऑप्शन ए विंटर, ऑप्शन ए विंटर, ऑप्शन बी रेनी, ऑप्शन सी समर, ऑप्शन सी समर, ऑप्शन डी ऑटम, ऑटम ए यू टी वी एम एन. अब चार हो गए. अब इस पैसेज को पहले तूने सुना होगा तो सही है, नहीं सुना होगा तो गलत हो जाएगा. अब सुनो, क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं आंसर. अब क्वेश्चन सुनो, क्या कह रहा है कि पोलर बियर मदर बर्थ. अब बोलो इस क्वेश्चन का कोई लिंक पैसेज में है? कहां है? ये कह रहा बर्थ, जन्म कब देती है. क्वेश्चन में कहीं पैसेज में कहीं जन्म कब जिक्र है जी? पैसेज में कहीं लिखा है कि पोलर बियर जन्म दिया बच्चा को? तो कोई लिंक है? यानी यह हुआ इंप्लाइड आइडिया क्वेश्चन. यानी पैसेज में आंसर नहीं है, हमको लेना पड़ेगा फैक्ट. तो फैक्ट कितना तलाशेंगे? समर. एक फैक्ट मिला समर, दूसरा फैक्ट मिला तीन महीने का बच्चा, ये हो गया फैक्ट. अब हम निकालेंगे कॉन्सेप्ट कि भाई जन्म दिया होगा तीन महीना पहले, यानी समर में उसका बच्चा तीन महीने का है, तो जन्म लिया होगा तीन महीना, इसका मतलब इसका आंसर समर नहीं होगा. तो एक ऑप्शन कटा. अब दिमाग लगाया कि जन्म समर में नहीं हुआ होगा. अब बोलो एग्जामिनर तुमसे ऋतु का ज्ञान चेक नहीं किया कि भाई इसको सीजन का ज्ञान है कि नहीं. देखो एग्जामिनर एक साथ कई चीज चेक कर लेता है. हमने क्या कहा, कंप्रिहेंशन का मतलब होता है समझदारी, यानी आप में कितनी समझ है वो सब चेक कर लेता है. तो ये तो पता चल गया भाई कि समर नहीं होगा. तो समर से तीन महीना पहले क्या होता है इसका ज्ञान रहेगा तभी नहीं बनाओगे. तो इसका आंसर होगा विंटर. आंसर क्या होगा? विंटर. समझ आया बात? तो इसका आंसर क्या हो गया? विंटर. ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था. इसको कहते हैं इनडायरेक्ट इंप्लाइड आइडिया क्वेश्चन, यानी अप्रत्यक्ष है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. ठीक है, चौथा पॉइंट लिखो. चौथा को टाइप्स नहीं है, पॉइंट दे रहा हूं. क्या दे रहा हूं? हिंदी में लो कीवर्ड, लिख लो कीवर्ड. कीवर्ड मतलब एक की दे रहा हूं, समझना उसको. जैसे समझ लो पहले क्या लिखवा रहा हूं. जैसे आपके पास चार ऑप्शन है, राइट, पैसेज में क्या लिखा मतलब नहीं, चार ऑप्शन होता है भाई. जैसे मान लो कि ये पैसेज है, राइट, यहां पे क्वेश्चन नंबर वन दिया, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी, राइट. अब इस पे चार, यहां पे क्वेश्चन नंबर वन दे दिया, यहां कुछ लिखा होगा, इसी के आधार पे चार आंसर निकालते कि भाई कौन सही है, राइट. अब सोचो कि इस चार ऑप्शन में किसी ऑप्शन में मान लो लिखा है ऑलवेज, ऑलवेज से स्टार्ट है, तो ध्यान देना जिस ऑप्शन में ऑलवेज है वो ऑप्शन 99% आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऑलवेज कोई चीज होता ही नहीं. ठीक है, तो वही चीज लिखवा रहा हूं कि यू शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ सेंटेंस. ठीक है, तो जिस सेंटेंस में इस तरह के वर्ड होगा आंसर नहीं हो सकता 99%. तो लिख लो कौन कौन से वर्ड है, ऑलवेज, एवरी ई वी ई आर वाई, एवरी के वाली को ओनली ओ एन एल वाई, ओनली के वाली को नो एन ओ नो, नो के बाद नेवर एन ई वी आर, मस्ट एम यू एस टी, ऑल ए डबल एल, हैव टू हैज टू हैड टू, हैज टू हैव टू हैड टू डॉट डॉट ई टी सी. इन सारे शब्दों से ऑलवेज एवरी ओनली नो नेवर मस्ट ऑल हैज टू हैव टू हैड टू से बने सेंटेंस, से बने सेंटेंस प्रायः आंसर नहीं होते, से प्रायः आंसर नहीं होते. प्रायः का मतलब क्या होगा? 90%.
मतलब इससे अगर कोई सेंटेंस बनेगा ना तो प्रायः आंसर नहीं होगा, मतलब उसको बचना है, उससे क्या करना है, बचना है। मतलब पहले उसको आंसर तो मत मारना, पहले तो किसी और को तलाश लेना। अगर मान लो कुछ नहीं हो रहा तो अलग केस है, लेकिन 99% आंसर नहीं होगा वो। यहाँ तो बात समझ में आया बच्चे? तो ये था कॉम्प्रिहेंशन का एक थ्योरी जो हमने आपको पढ़ाया। अब आपके पास कॉम्प्रिहेंशन का ऐसा किताब होगा जिसको आप निकालिए, इसमें लिखा होगा क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, PQRS, ये सारे चीज़ होंगे आपके पास। तो इसको आप निकालिए, इसमें निकालिए आप पेज नंबर 121 निकालिए, 121, पेज नंबर 121 निकाल लिया जी। 79 को छोड़ो, 79 से कॉम्प्रेंस शुरू है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ निकालने के लिए 121 निकालो ना पेज, नहीं हो चाहे पुरानी हो कोई पेज हो, पैसेज 48 निकालो। अब 48 पैसेज क्यों दिया हूँ, क्योंकि उसमें 15-15 क्वेश्चन है, पैसेज में ज़्यादातर कितने क्वेश्चन होते हैं, 5, लेकिन हमने दिया 48 से लेके 55 तक 15-15 क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि एक पैसेज में 5 क्वेश्चन होते हैं, हमने एक पैसेज में 15 क्वेश्चन दिए। यानी तुम एक पैसेज बनाओगे तो 15 तरीके से सोचोगे, तो तुम्हारा दिमाग शार्प होगा ज़्यादा। इसलिए प्रैक्टिस के लिए मैं 48 से 55 तक का टास्क दे रहा हूँ। कितना टास्क दे रहा हूँ? 48 से 55 बना के कब लाना है? अगले मंगलवार को। लेकिन तुम बनाओगे कैसे वो आज बनवा कर दिखाता हूं, क्योंकि टास्क दे दूंगा तो तुम करोगे नहीं, क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद टास्क का फायदा नहीं होगा। फायदा होगा जब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, बनवा के दिखाऊंगा, और फिर कहूंगा कि जैसे मैं सोचा वैसे ही तुम हर एक दिन बनाना। जब हर एक दिन बनाओगे तो 8वें दिन जब मिलोगे तो 55 तो बना के लाना। जब बनाकर लाओगे उस दिन तो तुम्हारा दिमाग काम किया होगा ना, सही से काम किया होगा। फिर जब आओगे तो एक एक पैसेज की मैं धज्जियां उड़ा दूंगा, समझ रहे हो? तो मेरा थॉट, तुम्हारा थॉट मिल गया, आंसर मिल गया, तो अपने आप को प्रेज कर लेना कि सही बन रहा है, बस समझ रहे हो? तो एक एक पैसेज की धज्जियां कैसे उड़ाएंगे, तो 48 बना के देखते हैं, ठीक है? तो 48 बनाऊं, अब देखते हैं। अब 48 बनाने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, तो सबसे पहला काम हमने कहा था क्वेश्चन पढ़ना होगा। अब सबसे पहला काम क्या पढ़ना है हम लोगों को? क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन, व्हाई वाज द जेस्टर सेंटेंस टू डेथ, जेस्टर को मृत्यु की सजा क्यों दी गई। इसका मतलब कोई जेस्टर रहा होगा, उसको मृत्यु हुआ होगा। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, द जेस्टर्स बिजनेस वाज टू, जेस्टर का काम क्या था, कुछ ना कुछ काम करता होगा। द किंग डिड नॉट पार्डन जेस्टर बिकॉज, माफ नहीं किया। अब मृत्यु सजा दिया, माफ क्यों नहीं किया भाई? द किंग वेंट टू सी जेस्टर इन प्रिजन बिकॉज, जेस्टर से राजा मिलने गया जेल में क्यों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कौन सत्य है, विच ऑफ द फॉल्स, कौन गलत है। आगे पूछा है सिनोनिम्स, ओवरलुक्ड का साइनो क्या होगा, कंडेम्ड का साइनो क्या होगा, स्पेयर का साइनो क्या होगा, न्यूसेंस का साइनो क्या होगा, जेस्टर का साइनो क्या होगा, अम्यूज का एंटो क्या होगा, लिबर्टी का एंटो, अल्टर का एंटो, और प्लीजर का एंटो। देख लिया, मैं मान के चला कि आपने 2-3 बार पढ़ लिया हुआ क्वेश्चन, मतलब दिमाग हमने ये सेट कर लिया कि तुमने इसको 3-4 बार पढ़ लिया, अच्छी बात। अब पैसेज पढ़ रहा हूँ, एक एक लाइन पैसेज पढ़ेंगे और एक एक लाइन में इसका आंसर होगा, चूंकि 15 क्वेश्चन है। तो हमने पढ़ा कि लॉन्ग लॉन्ग अगो, लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है, देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था, हु हैड अ फेवरेट जेस्टर इन हिज कोर्ट, उसके दरबार में उसका पसंदीदा जेस्टर का मतलब होता है जोकर, जोकर का मतलब क्लाउन, जेस्टर का मतलब मजाक किया, यानी एक मजाक किया था उसके दरबार में, कोर्ट का मतलब दरबार। अब यहां पे क्वेश्चन मिल गया साइनों का, देखो चेक करो साइनों में क्या जेस्टर है कि नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन है जी, अब देखो क्लाउन है कि नहीं ऑप्शन में, तो जेस्टर का आंसर हो गया बी, क्लाउन, दिख गया, अच्छी बात। अब कह रहा है कि उसके दरबार में एक जोकर यानी क्लाउन हुआ करता था, मजाकिया हुआ करता था। द जेस्टर्स बिजनेस वाज टू, जेस्टर का बिजनेस, देखो मिल गया क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया बाबू, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि देखो जेस्टर्स बिजनेस वाज टू, यहां मिल रहा है जेस्टर बिजनेस वाज टू,
मिले आप ऑप्शन, अम्यूज द किंग, अम्यूज का मन बहलाना, एंड द कोर्टियर्स राजा का और उसके दरबारियों का दोनों का मन बहलाता था। अब जो लड़का पैसेज नहीं पढ़ेगा वो सोचेगा कि जेस्टर इंटरटेन करता था किंग को और रानी को थोड़ी छोड़ देगा, रानी को भी। तो ऑप्शन ए मार देगा, जबकि आंसर सही कौन होगा, बी, इंटरटेन द किंग एज वेल एज द कोर्टियर्स, राजा के साथ साथ उसके दरबारियों का भी मन बहलाता था। समझ में आया सबको, सबके पास किताब है कि नहीं है? Yes, चलो क्वेश्चन नंबर 3 आगे पैसे आगे पढ़ो। अब कह रहा है जेस्टस बिजनेस वाज टू अम्यूज द किंग एंड द कोर्टियर्स, ही वाज अलाउड मच लिबर्टी, उसको बहुत ज्यादा छूट दिया गया था। अब लिबर्टी बट हमको और मिला है, देखो अम्यूज मिल गया, अम्यूज कहां नंबर है देखो, पहले 12 नंबर क्वेश्चन देखो, अम्यूज है जी। yes, तो अम्यूज का उल्टा क्या होगा, डिस्गस्ट। तो बोलो 12 का आंसर भी हुआ कि नहीं हुआ। लिबर्टी, लिबर्टी का उल्टा क्या होगा, स्लेवरी। सी, लिबर्टी का उल्टा स्लेवरी। तो बोलो 13 का आंसर सी मिला कि नहीं मिला। क्लियर, घर पे और शांति से पढ़ना, ठीक है, हो गया आंसर। अब देखो यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा कि लिबर्टी दिया गया था बाय द किंग, राजा के द्वारा उसे बहुत ज्यादा छूट दिया गया था। हु ओवरलुक्ड, ओवरलुक्ड भी बढ़ दिया है जिसको तो नजरअंदाज करना, ओवरलुक्ड तुमको मिल जाएगा 7 नंबर में, नजरअंदाज मतलब इग्नोर करना, बी आंसर हो गया, 7 का बी हो गया जी। तो ओवरलुक्ड इवन द अनकाइंडेस्ट जोक्स, अगर कोई बेहुदगी का मजाक भी करता ना तो उसको नजरअंदाज कर देता, नजरअंदाज कर देता, भाई कोई बात नहीं हंसा तू खाली। जैसे घर में छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा अपने बड़े भाई को मारा, बड़े भाई ने कहा पापा देखो बाबू मारता है, कहता अरे कोई बात नहीं बेटा बाबू है मार खा ले। छोटे बच्चे को लगा कि भाई हमको तो तारीफ हो रहा है, उस छोटे बच्चे ने मम्मी को 2-4 खींचा, मम्मी ने कहा देखो जी बाबू मार रहा है, तो आपने कहा बाबू मार मार मम्मी को और मार मम्मी को और मार। एक दिन ऑफिस से बॉस उसको बुलाया 2-4 लोगों को कि घर में पार्टी देते हैं, पार्टी दिए और पार्टी दे के बच्चे को गोद में उठाया और सबको मिलवाएंगे ना भाई, बॉस उसके पास ले गए बच्चे को, मेरा ही है। जैसे ही बोला मेरा ही है, ऊपर से बच्चा 2 खींच दिया, उस बच्चे को लगा कि मेरी तारीफ होगी कि पिटना है 2 हाथ मुझे। अब उस सोचो उस व्यक्ति को कितना गुस्सा आया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर रोक दिया होता तो बच्चा पिटता नहीं, कि छोटे को पीटो लेकिन बड़े को नहीं पिटना है। फिर पति गुस्से में गया बच्चे को पटका, घर में रखो कहाँ कहाँ से ले आया है, समझ रहे हो। तो कहने का सेंस ये है कि ओवरलुक्ड इवन द अनकाइंडेस्ट जोक, अगर कोई बेहूदगी मजाक भी करता तो क्या करता, नजर अंदाज। एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दिस द जेस्टर बिकेम अ न्यूसेंस टू द होल कोर्ट, जेस्टर जो था पूरे दरबार के लिए सरदर्दी बन गया। न्यूसेंस मतलब क्या होता है, सरदर्दी। देखो न्यूसेंस बढ़ाया कि नहीं आया कहीं, 10 नंबर। तो न्यूसेंस मतलब ट्रबल, पूरे दरबार के लिए क्या बन गया, वो ट्रबल बन गया। हो गया बच्चे यहाँ तक, आगे देखो। अब बात बीत गई भाई, ट्रबल हो गया। वन डे, एक दिन, हाउएवर जेस्टर गेव अनइंटेंशनल ऑफेंस टू द किंग, अनइंटेंशनल ऑफेंस यानी जो था जोकर राजा के प्रति अनइंटेंशनल ऑफेंस, गैर इरादतन अपराध। जैसे छोटा बच्चा अपने बाप को 2 खींच दिया, उसे पता होता कि बाप को नहीं मारना है तो नहीं मारता, उसे पता था बच्चे को, लेकिन फिर भी चल गया तो चल गया। जिस प्रकार राजा ने उसको छूट दे रखा था कि कुछ भी बोलो बस हंसाओ, तो भाई उसको बोलना था राजा के प्रति कुछ कह दिया होगा गाली गलौज। भाई हंसी मजाक कब होता है, हंसी तब आता है जब निगेटिव बात हो, अच्छी बात हंसी आती है कभी, जब बुरी बात करो किसी को किसी खिंचाई करो तो हंसी आती है। अब दरबार में इतने लोग बैठते थे, किसी न किसी खिंचाई करता होगा तो राजा ही हंसता होगा, बोलता हो किसी को तुम्हारी पत्नी उसे भाग गई, तो हंसता हुआ सब कि भाई सही बात है।
मजाक कर रहा है, तो हंसी आती होगी। तो यहाँ क्या समझा, वन डे हाउएवर द जेस्टर गेव अन इंटेंशनल ऑफेंस टू द किंग, गैर इरादतन अपराध कर बैठा। अब कर बैठा तो भाई निकल तो गया। द किंग एट वंस कंडेम्ड टू डेथ। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, लेकिन पैसेज में निकल रहा है सजा देना। तो राजा जो है उसको सजा दे दिया मृत्यु का, कंडेम्ड हिम टू डेथ, मृत्यु सजा दे दिया। अब कंडेम्ड वर्ड मिला हो कहीं ना कहीं, देखो कितने नंबर में है, 8 नंबर। कंडेम्ड का बोलो सेंटेंस नहीं हो जाएगा, तो कंडेम्ड का आंसर डी हो गया जी। तो कंडेम्ड हिम टू डेथ, मृत्यु सजा सुना दिया। द जेस्टर फेल ऑन हिज नीज, घुटनों के बल गिरा जेस्टर, सारा जोकराई भूल गया वो, मृत्यु की सजा सुन के सारा जोकराई भूला, घुटने के बल गिरा। द जेस्टर फेल ऑन हिज नीज एंड प्लीडेड फॉर हिज लाइफ, जीवन की भीख मांगा। प्लीडेड कहाँ है जी, 15। प्लीडेड का उल्टा हो जाएगा ऑर्डर्ड, क्या उल्टा हो जाएगा ऑर्डर्ड। तो प्लीडेड फॉर हिज लाइफ, जीवन की भीख मांगा। बट द किंग रिफ्यूज टू अल्टर द सेंटेंस, लेकिन राजा उसके सजा को बदलने से इनकार कर दिया, बदलने से इनकार कर दिया और जेल भेज दिया होगा। क्या करेगा उसको, अब मामला बीत गया इसमें। अब जो सोचो, जिस राजा को पूरे दरबार में रोज हंसी मजाक हो रहा है, अब जो हंसी मजाक कराने वाला है वो चला गया जेल, तब जब सोचो कि उस राजा को उस दरबार में मन लगेगा, क्योंकि जिसको हंसने की लत लग गई है, नशा आ गया है, वो फिर नहीं हंसेगा तो बेचैनी छाए रहेगा उसको। आप खुद सोचो ना भाई, आपका जब अपना कोई बिछड़ जाता है तो लगता है दुनिया उजड़ गई, न दिन कटता है न रात कटता है, न भूख लगती है न प्यास लगती, नहीं फिर लगता है दुनिया में किस काम का, दुनिया तो बचा ही नहीं, अब उसके बाद जीवन अधूरा था लगता है ना समटाइम्स, 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन। फिर हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से उससे तार लगे, नहीं नहीं तो बेचैनी दिल्ली दिल्ली तक उजड़ गया। तो क्या था यहां पे, वन डे, हाँ कहाँ गया जी, बट द किंग रिफ्यूज टू अल्टर द सेंटेंस, लेकिन राजा उसकी सजा को बदलने से इनकार कर दिया। वन डे द किंग विजिटेड द जेस्टर इन प्रिजन। अब राजा यहाँ बेचैन था, उसे हंसी मजाक मिल नहीं रहा था। अब जेल दरबार के जो सब थे दरबारी, वो सब सन्नाटा छाए थे भाई, उनको लगा कि भाई राजा को भरोसा नहीं, दे दिया उसने, सोचा हम लोग कुछ बोलेंगे तो कटवा देगा तुरंत, इसलिए राजा कुछ बोलता दिन है जी, जी सर आप जो कह दें, सन्नाटा छा दरबार में सन्नाटा, कि भाई बात खतरनाक आदमी है बच के रहो, है ना। तो अब उसे मिलने गया, तो यहां के पीछे क्या है भाई, राजा है, इच्छा हुई चल गया मिलने। ही सेड टू जेस्टर, जोकर से कहा, आई एम वेरी सॉरी माई फ्रेंड, यार हमसे गलती हो गया, आई कांट स्पेयर योर लाइफ, तुम्हारे जीवन को स्पेयर नहीं कर पाया, बचा नहीं पाया। स्पेयर मतलब नाइन स्पेयर है चापो, स्पेयर का मतलब क्या होगा, सेव करना, सी आंसर। तो आई कांट स्पेयर योर लाइफ, मैं तुम्हारे जीवन को बचा नहीं पाया, बट आई कैन अलाइव वन कंसेशन, लेकिन मैं तुम्हें एक छूट दे सकता हूं, यू कैन चूज द मैनर ऑफ लाइफ वुड लाइक टू डाई, तुम कैसे मरना चाहते हो, कब मरना चाहते हो, तुम ये बता दो मुझे। द क्लेवर जेस्टर नाउ सॉ हिज चांस, क्लेवर जेस्टर था चलाक, वो देखा कि मेरे फेवर में बात आ रहा है, उसने कहा चूज योर मजेस्टी, आप कितने महान हैं, टू डाई ऑफ ओल्ड एज, हम तो बुढ़ापे में मरना चाहते हैं, टू डाई ऑफ ओल्ड एज, बस समझ गए। इस तरह का पैसेज था। अब आप एक भी कोर्स बनाएंगे सब बनेगा, आप सब बन जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर हो तो पैसेज आने से बन जाएगा, अगर समझ नहीं क्लियर हो तो पैसेज नहीं बनेगा। जैसे वाई वाज जेस्टर सेंटेंस टू डेथ, बताओ आंसर कौन सा होगा, सी बिकॉज ही हर्ट द किंग अनइंटेंशनली, क्योंकि वो राजा को
अनइंटेंशनली हर्ट किया था. द जेस्टर्स बिजनेस वाज टू जस्ट, काम क्या था, इंटरटेन द किंग एज वेल एज द कोर्टियर्स. द किंग डिड नॉट पार्डन द जेस्टर बिकॉज, माफ नहीं किया था, ये तो कहीं रीजन दिया हुआ है ही नहीं. तो आंसर हो जाएगा सी डी ई, ई आंसर हो जाएगा, द रीजन हैज नॉट बीन गिवन. बोलो कहीं बात आया जी कि माफ क्यों नहीं किया था, ये बात कहीं आया है, नहीं आया है. द किंग वेंट टू सी जेस्टर प्रिजन बिकॉज, मिलने क्यों गया, क्योंकि इच्छा हो गई चला गया. तो आंसर हो जाएगा बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सत्य है, द जेस्टर एंजॉय मैक्सिमम लिबर्टी, जोकर को मैक्सिमम छूट दिया गया था, यही लाइन ना सत्य है जी, और कोई लाइन सत्य नहीं होगा फिर इसमें. छठे का आंसर डी लगा लो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, गलत कौन सा है, तो गलत डी वाला है, क्योंकि वो घुटने के बल गिरा था सत्य है, लेकिन वो गिवन पनिशमेंट, वो थोड़ा सा छूट नहीं मांग रहा था, वो जीवन की भीख मांगा था. ये नहीं कहा था कि मृत्यु के बदले हमको दे दीजिए उम्र कैद, ऐसा नहीं कहा था उसने, उसने कहा था कि हमको लाइफ बचा दीजिए, प्लीडेड फॉर हिज लाइफ, जीवन की भीख मांगा था उसने, इसलिए इसका डी आंसर गलत है. ठीक है, ओवर रूट पता चली गया आपको. कंडेम्ड सेंटेंस हो गया, स्पेयर मतलब सेव हो गया, न्यूसेंस ट्रबल हो गया, जेस्टर क्लाउन हो गया, अम्यूज हो गया, डिस्गस्ट, लिबर्टी हो गया, स्लेवरी, अल्टर हो गया, कॉन्टिन्यू, और प्लीडेड हो गया ऑर्डर्ड. क्लियर? तो ऐसे ही आपको जिस पैसेज को हमने पढ़ा, इस पैसेज को आप फिर पढ़ना, फिर से आंसर लगाना फ्री होकर के, और फिर 49 ऐसे ही पढ़ना, 50 ऐसे ही पढ़ना, और मैं एक एक पैसेज की धज्जियां उड़ाता रहूंगा. कब? अगले मंगलवार को. अगले मंगलवार को आपको 8 पैसेज चेक करूंगा, किताब चेक करूंगा, और फिर देखूंगा तुम्हें बनाया कि नहीं बनाया. अगर बना दिया तुम्हारा लेवल अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा. पढ़ने से डरना मत, पढ़ना है इसको, दोबारा पढ़ना, तिबारा पढ़ना, और फिर इसको देखना, सब आपको बनना शुरू हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.